फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबीकेएस। मैं विकास आज आपके साथ डिस्कशन करने आया हूं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जो कि सभी एग्जाम के लिए, सभी टीचर्स एग्जाम के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम के लिए यूजफुल है और सभी एग्जाम में आता है। 25 से 50 नंबर क्वेश्चन आता है। तो मैं ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सभी क्वेश्चन और आंसर कवर करेगा। और ये इस सीरीज का पहला सेट है, पहला लेक्चर है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सभी नंबर में 30 सेकेंड दिया जाएगा और उस टाइमर के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक वो जो स्लाइड है वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, पुश करके भी आप आंसर दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। और सीरीज स्टार्ट करने की पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे क्वेश्चन और आंसर पाने के लिए। और यदि सब्सक्राइब किए हो तो आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास मैं जो भी क्वेश्चन आंसर अपलोड करूंगा तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। द वर्ड्स पेडागोजी मीन्स क्या है? टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो आप आंसर दीजिए 30 सेकेंड में। तो इसका आंसर है आंसर बी, दैट इज टू लीड द चाइल्ड। द वर्ड पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, गाइडिंग स्टूडेंट्स, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड। Time of pedagogy is the study of teaching method. Pedagogy is the study of teaching method. आप सभी लोग जाने होंगे, जो भी सिर्फ पेडागोजी पढ़ते होंगे तो ये बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते होंगे कि टीचिंग्स मेथड को पेडागोजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड को पेडागोजी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following indicates child physical growth? Negative, quantitative, qualitative, positive. Which one of the following indicates child physical growth? That is answer is quantitative. जो quantitative होता है वो indicate करता है child physical growth को। तो answer हो गया option B, that is quantitative. चलिए next question देख लेते हैं। The best method to study growth and development of the child is The best method to study the growth and development of the child is developmental method. तो उसको कहा जाता है developmental method, जो कि best method to study growth and development of the child. तो ये है वो answer. Answer हो गया C, that is developmental method. तो next question जान लेते हैं, क्या है next question? The use of technology to enhance the learning process is called DEX in education. सूरज की पलकों।
पब टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस, जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, तो उसको कहा जाता है आईसीटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में आईसीटी कहा जाता है आईसीटी इन एजुकेशन। तो आंसर गया ऑप्शन बी दैट इज आईसीटी। नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर आंसर इज आईसीटी दैट इज बी। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टर्म पी एस आर एंड हिज डेवलपमेंट इम्प्लाइज, द टर्म पी एस आर एन मीन्स द परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी दैट इज ऑप्शन सी। पी एस आर एन मीन्स परसेप्चुअल स्किल रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, उसे पी एस आर एन कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी। जो इंडिविजुअल अपना मिस्टेक से सीखता है, मिस्टेक करके सीखता है, गलती से सीखता है, वो स्टेटमेंट वो लर्निंग थ्योरी को क्या कहा जाता है। तो वो लर्निंग थ्योरी को ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर, आप पहले ट्रायल करो, यदि एरर है तो आप मिस्टेक से जो सीखते हैं वो लर्निंग थ्योरी में, जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी स्टेटमेंट और बेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। What should be the role of the teacher in meeting the individual difference that is both A and B, that means try to the abilities, interest and aptitude of individuals and try to adjust the curriculum as per the need of the individual, should be the role of the teachers in meeting the individual difference। To answer ho gaya hamara C, both A and B। Next question, teachers should present information to the student clearly and in interesting way and relate this new information to the think student। तो आंसर हो गया बी दैट इज ऑलरेडी नोन। तो आंसर हो गया ऑलरेडी नोन। आप सभी लोग देख सकते हैं आंसर यहाँ पे लिखा है, टीचर शुड प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन टू दिस थिंग स्टूडेंट ऑलरेडी नो। इफ द चाइल्ड हैज मेंटल एज 5 इयर्स एंड क्रोनोलॉजिकल एज 4 इयर्स देन व्हाट वुड बी द आईक्यू ऑफ चाइल्ड। यदि एक चाइल्ड का मेंटल एज 5 इयर्स है एंड क्रोनोलॉजिकल एज 4 इयर्स है तो उसका आईक्यू क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। उसका आईक्यू 125 होना चाहिए, 125 होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए दैट इज 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑब्वियसली ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, ये नहीं है, ये गलत है, डेवलपमेंट इज नॉट ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट सी नंबर आंसर, एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यस इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, ओके इट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज, सो यू आर रॉन्ग, इज डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, इट्स नॉट ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। सो आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज डेवलपमेंट इज नॉट ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, Which of the following is not the tool for formative assessment in scholastic domains? तो ये हो गया project, answer हो गया project, that is option C. Option C is not the tools for formative assessment in scholastic domains. Okay, answer हो गया option C. तो next question देख लेते हैं, 13 number question जो कि है, according to John Dunny, school is a DAX institution and education is a DAX process. तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज सोशल एंड सोशल, अकॉर्डिंग टू जॉन डनी स्कूल इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ऑल्सो ए सोशल प्रोसेस। तो जॉन डनी की कहना है कि जो स्कूल होता है वो एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन होता है और एक सामाजिक प्रोसेस भी होता है, एजुकेशन एक सामाजिक प्रोसेस होता है जो कि सभी के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, स्पेशल एजुकेशन किस से रिलेटेड है। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल, तो जो डिसेबल के लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम किया जाता है उसे स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल, दैट इज ऑप्शन बी इज आवर आंसर। सो लेट्स नो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजीली, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि एक इनएक्सपीरियंस टीचर सही तरीके से क्वेश्चंस इजीली नहीं बना सकता। तो ये जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, दैट इज इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर्स कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन डनी स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डैक्स।
जैन रनी का कहना है कि स्कूल मस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ में जीने के लिए जो स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, ये जैन रनी का कहना है। जैन रनी, अकॉर्डिंग टू जैन रनी, स्कूल मस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रेजेंट लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। What type of evolution identifies learning deficiency and difficulties of the learner? तो ये जो कौन टाइप का evolution identify करता है कि जो learning deficiency और difficulties of learner, learner की learning deficiency और difficulties को कौन type of evolution identify करता है, तो ये diagnostic answer होगा, diagnostic, that is option D। तो देख लेते हैं next question क्या है, 18 number question। आप देख सकते हैं, एज पीपल ग्रो ओल्डर द डेक्स ऑफ लर्निंग डिक्लाइन। तो जब एक पीपल्स ओल्डर हो जाता है तो उसका क्या डिक्लाइन हो जाता है, पावर, स्पीड, क्वालिटी, क्वांटिटी। As people grow older, the speed of learning decline। जब भी एक पीपल, एक आदमी ओल्डर हो जाता है उसका स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन हो जाता है, जब ह्यूमन बींग्स ओल्डर हो जाता है तो उसका स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन हो जाता है। तो ऑप्शन हो गया हमारा, आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज स्पीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ द पीपल इज 7 ईयर, ही मे बी क्लासिफाइड इन टू विच कैटेगरी। जब क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज दोनों ही 7 ईयर्स है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो कैटेगरी है नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस, दैट इज ही मे बी क्लासिफाइड इन टू द नॉर्मल इंटेलिजेंस कैटेगरी। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नॉर्मल इंटेलिजेंस। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है। Which from the following should be used to increase correct response and appropriate behavior? तो ये जो आंसर है, आंसर हो गया डी, दैट इज प्रेज। प्रेज शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द करेक्ट रेस्पॉन्स एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।